हमारे साथ राघवेंद्र भी बने हुए हैं और साथ ही राजीव, मैं आपसे गुजारिश करूंगी भाई आज थोड़ा सा वक्त आप हमें दीजिएगा और रुकिएगा हमारे साथ। राघवेंद्र जी, ये यूपी की राजनीति अब ये किस ओर जाती नजर आ रही है? ये दबाव आरक्षण का, दबाव संविधान का, जातिगत जनगणना का ही है ना कि अब इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं? लोकसभा में अभी सीट पाके कर्तव्य, वो एक दो शब्द लाए थे, दोनों शब्द छुपा था, एक आरक्षण बचाओ, दूसरा संविधान बचाओ, और इन दो शब्दों पर भ्रमित होकर उत्तर प्रदेश की जनता इनको चुनाव में अपना मतदान दी और ये वो ओवर स्मार्ट बन गए। उत्तर प्रदेश का नजरिया ये था, जब लाल टोपी वालों की सरकार थी तो यहाँ न व्यापारी सुरक्षित था, न खेती सुरक्षित थी, न दंगे रुकते थे, और तो और ये सम्मिक के नाम पे बॉम्बे जाके और एक होटल में लोगों को बुला के और वहीं सम्मिट कर देते थे। कोई व्यवसायी, कोई बड़ा कल कारखाना इनके कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में नहीं खुला। गरीबों की जमीनों पर कब्जा करना इनका प्रमुख काम था। इनके जितने नेता थे, जो जमीन सरकारी है, जो जमीन खाली है, वो जमीन हमारी है, इनका नारा हुआ करता था। आज जब माननीय महाराज जी मुख्यमंत्री बने हैं और जब बुलडोजर गरज रहा है तो इनको दिक्कत है। मुझे भी कलर से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कलर का अगर आप गलत उपयोग करते हैं, लाल टोपी लगा के अगर जमीन कब्जा करते हैं, लाल टोपी लगा के अगर अपराध करते हैं, तो आप उसी अपराध की श्रेणी में आएंगे। डबल इंजन की सरकार जब से बनी है, तब से सुरक्षा, सुशासन और विकास मॉडल है। उत्तर प्रदेश में जो भी काम हो रहा है, चाहे गाजीपुर से गाजियाबाद तक, अभी बड़ी बांग कांग्रेस की प्रवक्ता बता रही थी इनके सरकार में तो क्या क्या हुआ, संविधान के नाम पे ये लोग जीत पाए हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन संविधान का गला घोटना हो तो कांग्रेस पार्टी से सीखिए। कैसे अचानक जो है कई दर्जनों बार राज्य की सरकारें गिरा दी जाती, अभी भी क्या है, अभी भी जब इनके समर्थन वाले राज्य में कोई कांड होता है तो इनका मुंह नहीं खुलता है, ये घूम फिर के आती है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर इतना मेंटेन है कि अभी भी विपक्ष के लोग खुल के रोड पे नहीं आ रहे हैं। ये टीवी चैनल में तो बोलते हैं कि यहाँ ये हुआ, वहाँ वो हुआ, अगर आपको वास्तव में जनता से लगाव है, अगर केवल चुनाव के समय अगर आप टीवी बोलते हैं, तो आपको उनके साथ जाके खड़ा होना चाहिए, धरना करना चाहिए, सरकार के खिलाफ आना चाहिए। वैसा कोई मुद्दा उत्तर प्रदेश में है ही नहीं है ये सरकार के खिलाफ। अपराध का जाति और रंग कब से हो गया राघवेंद्र जी? नहीं नहीं, अगर अगर कोई भी अपराधी रंग बना के, रंग का प्रयोग करके अपराध करेगा तो वो अपराधी चाहे कोई भी रंग हो। बोले फखरुल हसन चांद जी। देखिए राघवेंद्र जी की परेशानी ये है कि घोसी उपचुनाव हुआ तो इनके नेता गली गली घूम रहे थे और गली गली घूमने के बाद भी जनता ने नकार दिया और जिस जात को लेके, जिसको लेके ये राजनीति करते, सबसे ज्यादा संख्या में वोटर। फिर उसके बाद लोकसभा चुनाव हुआ और लोकसभा चुनाव में जो राजभर जी के सपुत्र हैं वो चुनाव हारे, तो इनकी मजबूरी है। जब चुनाव से पहले ये गाने गाते थे, इनके नेता कौन कौन से गाने गाते थे वो किसी से छुपे हुए नहीं है। पीडीए के नेताओं के लिए कहते थे कि वो किनके चरणों में पड़े हुए हैं। देखिए आज वो बीजेपी के साथ है तो उनकी भाषा बदल गई है, वो अपराध और रंग की बात कर रहे हैं। रंग किसी का नहीं होता है, शायद पीला रंग इनको बहुत पसंद है, मैं पीला कुर्ता पहने बैठा हूँ, मुझे पीले रंग से कोई दिक्कत बात तो वही है ना कि देखिए आज अगर हम बात करें तो राजनीति में आज कुछ सफेद तो बचा नहीं है, हर राजनीतिक दल के साथ कुछ ना कुछ काले पन्ने, काले अध्याय जुड़े हैं। मुलायम सिंह यादव का बयान याद आ रहा है मुझे, लड़के हैं गलती हो जाती है। नहीं पूजा जी देखिए, जब भी आप उस एक बयान की बात करते हैं, हम तो पूछते हैं कि नेताजी का बयान वो लिविंग रिलेशनशिप पे आया था, जब वो बयान आया था उसको भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ मरोड़ कर आज तक उसी बयान को पेश किया जाता है। मैं तो पूछता हूँ ना कि आप ये बताइए कि ये लोग कौन है, ब्रजभूषण शरण, ये दो विधायक जिनकी सजा चली गई, कोई एक समाजवादी पार्टी का नेता बताइए जिसको सजा हुई है। ये 2017 से 2024 के बीच में भारतीय जनता पार्टी के दो मौजूदा विधायकों को बलात्कार के मामले में सजा हुई, जिनकी सदस्यता बलात्कार के मामले में चली गई, जिनमें अनंत पे आरोप है और जिनमें अनंत के मुकदमे को भाजपा वापस ले रही है। बलात्कारियों के मुकदमे को भाजपा ने गुजरात में वापस किया और मानी देश की सबसे बड़ी अदालत ने उस फैसले को पलटने का काम किया। कश्मीर के कंठुआ में जिस तरीके से एक बच्ची के बलात्कार के बाद भारतीय जनता पार्टी बलात्कारियों के समर्थन में रैलियां निकाल रही थी, कोर्ट में चार्जशीट नहीं फाइल करने दे रही, वो किसी से छुपा हुआ है। जवाब दीजिए, गाजियाबाद में क्या हुआ, झांसी में क्या हुआ, फरुखाबाद में क्या हुआ, मेरठ में क्या हुआ, लगातार उत्तर प्रदेश में घटनाएं हो रही है। भारतीय जनता पार्टी अपनी लॉ एंड ऑर्डर का डंडा पीट रही है, थाने में बलात्कार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हुआ है, समाजवादी पार्टी की सरकार में कभी थाने में बलात्कार नहीं हुआ, कभी हत्याएं नहीं हुई है,
जेल में कभी हत्याएं नहीं हुई है, ये भारतीय जनता पार्टी कानून व्यवस्था की ये अपना ढिंडोरा पीटते हैं। कानून व्यवस्था भारतीय